लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने दो बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर ली। मामला कल्याणपुर आदर्श नगर के शिवानी विहार का है, जहां पुलिस के मुताबिक पत्नी और बच्चों की गला दबाकर हत्या के बाद शख्स ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक शख्स रिक्शा चालक था। अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके पीछे क्या कारण रहे ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। पहले पत्नी और बच्चों की हत्या कर मौत के घाट उतारा उन्हें, और उसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। कल यहाँ पर डीसीपी इस एरिया के डीसीपी क्राइम बाकी सभी अधिकारी और फील्ड यूनिट बहुत तेज आई थी और उनके सामने फील्ड यूनिट के साथ ही खोला गया है। बाकी जांच पड़ताल चल रही है, यह देखना जरूरी होगा कि किन कारणों से किस तरह से मारा गया है। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसमें बच्चों को सभी को मुंह दबाकर मारने का दिख रहा है, बट देन वी विल हैव टू लुक इनटू अदर फैक्ट्स। प्राइमर फेसाई ऐसे दिख रहा है, तीनों एक लाइन से लेटे हुए मिले हैं और तीनों को ही मुंह दबाकर ही मारा गया। चीजें मिली हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं। अभी पूरी फोरेंसिक यूनिट ऊपर काम ही कर रही है जो मैं देख रहा था। वी विल गेट सब्सटेंशियली कि क्यों इतनी दुखद घटना इसने घटित की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मयंक जुड़ गए लखनऊ से हमारे संवाददाता। मयंक, क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस तरह की वारदात को पहले अंजाम दिया गया, बच्चों की पहले हत्या की गई फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया, कारण क्या इसके पीछे बताए जा रहे हैं? देखिए अंजलि, जो वास्तविक कारण है वो तो जांच के बाद सामने आ पाएगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं यहाँ पे आसपास के लोगों से जो बातचीत हमारी हुई है उनका ये कहना है कि इसने जो ये पिंटू गुप्ता है इसने दो ई रिक्शा लोन पे लिए हुए थे और कहीं ना कहीं उस पर एक कर्ज का दबाव था जिसको लेकर परिवार में अक्सर कलेश होता रहता था। और जो बातें सामने आ रही हैं कि उसने अपनी पत्नी और दो बच्चों का मुंह दबा के उनकी हत्या की, उसके बाद में खुद पे वो फांसी पे झूल गया। देखना इसमें यह है, जो पुलिस जांच करेगी उस जांच में जो सबसे अहम होगा वो ये होगा कि क्या इन जो लोग उसकी पत्नी और जो दो बच्चे हैं क्या उनको उनकी हत्या से पहले क्या उनको कोई ऐसा पदार्थ खिलाया गया था कि वो नींद के आगोश में चले जाए जिसके बाद ये अपनी कारस्तानी को अंजाम दे सके, या फिर सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ। जैसा आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, काफी मिलनसार व्यक्ति था, लोगों से ठीक ठाक बातचीत करता था। यहाँ करीब 3 साल पहले, ये हमारे ठीक पीछे वो घर है जहाँ पे पिंटू गुप्ता अपने परिवार के साथ रहता था। मैं एक बार चाहूँगा कि वो घर दिखाएं जिस घर में पिंटू गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे और यहाँ पे 3 साल से रहते। इसके पास में एक कॉलोनी है जहाँ पे उनके माँ बाप भी साथ में रहते हैं। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले थे पिंटू गुप्ता, और जो बताया जा रहा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जो एक जो मुख्य वजह बताई जा रही है, फिलहाल जो मानी जा रही है। हालांकि जो जांच होगी, जांच के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, पहले अपने परिवार के ही 3 सदस्यों की हत्या, पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई, ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो परिस्थितियां थी उसकी एक उधेड़ बुन चल रहा था, उस मानसिक द्वंद था जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस तरह से खुद अपनी जान दी है वो ये बताता है कि संभवतः उसके जो परेशानियां थी वो इस कदर बढ़ गई थी कि वो जो है अपने परिवार तक को खत्म करने की उसने सोची और बाद में खुद की जान दे दी। हालांकि जो असल तस्वीर है, जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं पुलिस महकमे के कि जो असल तस्वीर है वो जांच के बाद सामने आ पाएगी, लेकिन जो घटना स्थल पे जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं और जो तमाम बातें हो रही हैं उसको लेके अभी यही कहा जा रहा है कि इस बड़ी वारदात के पीछे एक सनसनीखेज वारदात जिसने आसपास के लोगों को दहशत मला दिया है, ये जरूर कहा जा सकता है कि वो मानसिक रूप से काफी परेशान था जिसकी वजह से उसने अपनी भी जान दी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे भी पहुंचे, मयंक, कहा जा रहा है के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, क्या कहा गया पुलिस की ओर से, पुलिस कमिश्नर भी कहा जा रहा है सूचना मिलते मौके पर पहुंचे हुए थे।
बिल्कुल अंजलि, देखिए जो प्राइमा फेसिया की बात हो रही है, प्राइमा फेसिया में जो चीज सामने आया उनका संकलन पुलिस की जो जांच टीम आती है उसने किया है, फॉरेंसिक टीम ने किया है। लेकिन कमिश्नर का भी यही कहना था कि जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने उभर के सामने आएगी, निकल के सामने आएगी, जब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल जो बातें चल रही हैं वो केवल पारिवारिक दबाव, आर्थिक दबाव की चल रही हैं, लेकिन जो पूरी जाँच है, पूरी जाँच जब हो जाएगी तब असल तस्वीर साफ हो पाएगी कि वास्तव में क्या कुछ रहा इस घटना के पीछे। क्या ये महज एक परेशान व्यक्ति, एक परेशान परिवार की घटना थी या इसके पीछे कुछ और सारी चीजें हैं? तो ये सारी चीजें हैं अंजलि जो जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या कोई सुसाइड नोट या इस तरह का कुछ बरामद हुआ वहां से, और क्या आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ की गई? पिछले कुछ दिनों से कैसी एक्टिविटीज चल रही थी इस परिवार की, और खासतौर पर उस शख्स की जिसने पहले अपने बच्चों और पत्नी की हत्या की और बाद में खुद भी मौत को गले लगाया? देखिए, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अगर ये एक आत्महत्या की घटना होती और जिस तरह से मुंह दबा के हत्या उसने की अपनी पत्नी की और दो मासूम बच्चों की, ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह होशो हवास में था। ऐसा नहीं है कि उसने इस घटना को ऑल ऑफ सडन अंजाम दिया होगा, ये होशो हवास में था। उसने कहीं ना कहीं उसकी जो परेशानियां थी वो उस पर इस कदर हावी हो गई कि उसने डिसीजन, एक निर्णय, एक आत्मघाती निर्णय लिया जिसमें अपने परिवार की कुर्बानी दे दी और खुद भी फांसी के फंदे पे झूल गया। इसका पता दरअसल तब चला जब सुबह के समय जो बच्चे उसके हैं वो पास के स्कूल में पढ़ते हैं, और मकान मालिक ने जब देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो बातचीत करने के लिए उसके ऊपर के फ्लोर पे गए जहां वो रहा करता था, और जब अंदर उन्होंने झांक के देखा तो वहां पे जो पिंटू गुप्ता है वो फंदे से लटक रहा था। उसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक बहुत बड़ी घटना है, खास तौर पे ये घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ लोग आसपास में काफी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो स्थानीय लोगों का भी कहना है वो ये कह रहे थे कि वो मानसिक रूप से परेशान दिख रहा था इस समय, लेकिन उसने अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं की। जो चर्चाएं हैं अंजलि वो यही आ रही है कि उसके ऊपर दो जो ई रिक्शा है उनके लोन का थोड़ा कर्ज था जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था, लेकिन तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और अभी शुरुआती तौर पर यही वजह इसके पीछे की मानी जा रही है। आपका शुक्रिया मायन जुड़ने के लिए और जानकारी इस पर देने के लिए।